बाबा जी का यह उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश, बच्चों चरित्रवान बन जाओ, देश सेवा कर नाम कमाओ। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। तगमगाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वतस्मानीय परम पूज्य गुरु जी महाराज तथा प्रेम में जो लोग टीका चंदन तिलक माला कंठी पाठ देशाटन तीर्थ यात्रा स्नान वाहि पूजा में लगे रहते हैं वो तो नहीं, लेकिन जिनको थोड़ी भी जानकारी हो जाती है कि परमात्मा भी चेतन है और जीवात्मा भी चेतन है, जब चेतन से चेतन की पूजा करेंगे तभी वो चेतन मिलेगा। चेतन से जड़ की पूजा में कोई चीज मिलने वाला नहीं है, समय बेकार जाएगा। तब वो क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसे जानकारी मिलेगी, उस परमात्मा की कैसे जानकारी मिलेगी, जीवात्मा को खुराक कैसे मिलेगा, इसका उद्धार कैसे होगा, तब वो पता लगाते हैं, खोज करते हैं। तब जब खोज करते हैं तब उनको ये पता चलता है कि सब कुछ इसी शरीर से होता है। जब तक जानकारी आदमी को नहीं रहती है तब तक फंसा रहता है, जब तक आदमी को जानकारी नहीं रहती है तब तक उस प्रभु को मालिक को निराकार कहता है, लेकिन जब उसके दर्शन का रास्ता मिल जाता है तब उसको साकार कहने लगता है, डंके के चोट पर कहता है, चैलेंज के साथ कहता है कि उसका दर्शन हो सकता है, उससे मिला जा सकता है, उससे बातचीत की जा सकती है। तब बराबर यही कहता है कि यह मनुष्य शरीर गुणों की खान है, यह हाथ पैर आंख कान मुंह ये सब बड़े काम के हैं, ये सिर पूरा कंप्यूटर है इस समय का। कंप्यूटर में सारी जानकारी रहती है, उसी में सब फिट रहता है। जो इस धरती से थोड़ा सा आगे बढ़ा, ऊपर जाने की कोशिश किया और ऊपर अन्य उपग्रहों को भेजा, ऊपर का रिसर्च किया, वैज्ञानिक कहलाता है, और जब उपग्रह को ऊपर में स्थापित कर देता है तो वहां से दुनिया की जानकारी वो देता रहता है, और ये मशीन आदमी ने बना दिया जिसको कंप्यूटर कहा गया, उसी में सब भरा रहता है। ये कंप्यूटर आदमी का बनाया हुआ, ऐसे उस परमात्मा का बनाया हुआ, ये गले से ऊपर का जो हिस्सा ये सिर तक है ये पूरा कंप्यूटर है। लेकिन जैसे कंप्यूटर कोई न खोल पावे न जानकारी हो तो जानकारी नहीं हो पाती है, ऐसे उसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। तो जब कोई जानकार मिलता है तभी इस चीज को बतलाता है
जैसे कोई जानकार मिलता है, कंप्यूटर सिखाता है, खोलने को बताता है, ऐसे ही जब वो रास्ता बंद है कि जिससे ऊपर की जानकारी होती है, वो जब मिलता है तब जानकारी होती है, तो वो कौन होते हैं जानकारी कराने वाले, जिनको संत कहा गया। संत किसको कहते हैं? जिसको आदि और अंत का पता हो। यानी समझो, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, देवी देवता कैसे बने, अंडपिंड ब्रह्मांड कैसे बना, ये धरती आसमान कैसे बने, ये हवा पानी का निर्माण कैसे हुआ, ये जीव जंतु पेड़ पौधे और आदमी कैसे बना, और ये कैसे सिमटते हैं, और इनको कैसे भेज दिया जाता है, जीवात्मा को अनिश में कैसे बैठा दिया गया, कैसे ये काम करती है, कैसे निकल के जाती है, कहाँ जाती है, इन सारी चीजों की जानकारी है इनको होती है, उनको कहते हैं संत। इसीलिए कहा गया संत पूरे होते हैं, इसलिए कहा गया सत्य पुरुष की आदसी और संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। जिसको लोगों ने अलख कहा, उसको अगर देखना चाहते हो तो संतों में देखो, उन्हीं को सदगुरु कहना शुरू कर दिया। जैसे गुरु और सदगुरु होते हैं, दो नाम रखा गया, आप ये समझो गुरु किसको कहते हैं, किसी भी चीज की जानकारी कोई दे देता है तो उसको गुरु कहते हैं। जैसे कहते हैं ये हमारे कुल गुरु, ये हमारे पहले के गुरु हैं, कुल गुरु के खानदान के हैं, इनके पिताजी आते थे, हमारे दादाजी को अनुमंत्रण दिए, अब ये आ रहे हैं, ये हमारे कुल गुरु हैं। कहते विद्या गुरु, जो विद्या पढ़ाते हैं, कहते हैं हमारे विद्या गुरु हैं। जो राजनीति सिखाते हैं, कहते हमारे राजनीतिक गुरु हैं। व्यापारिक गुरु हैं, जो व्यापार सिखाते हैं। ऐसे ही बहुत तरह के हो गए। सदगुरु वो होते हैं जो अन्य भेद बताते हैं, उनको सब मालूम होता है, तो ऊपर का भी भेद बताते हैं। देखो दो तरह का होता है, जैसे शरीर के ही अन्य हिस्से अलग अलग हैं। देखो ये गले से नीचे का हिस्सा ही अलग है, और गले से ऊपर का हिस्सा अलग है। ऊपर मुंह है, आंख है, कान है, मत्था है, सिर है, और नीचे देखो ये सीना है, हाथ है, और आपका ये पैर है, ये इंद्रियां हैं, यानी ये अलग है। अब आप समझो कि जिनको ये मालूम रहता है कि पैर से चल करके जाओगे और मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, तो रुपये पैसा ले आओगे, और जो है वो आप खरीद करके अनाज खाओगे, मेहनत करोगे शरीर से तो बिजनेस चलेगा, व्यापार चलेगा, खेती में मेहनत करोगे तो अन्न पैदा होगा, घर रखोगे, सेवा करोगे दूध देगा। जिसको ये जानकारी है उसको यही जानकारी है धरती। जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो आईएएस पीसीएस पढ़ाते हैं, मास्टर जिनको कहते हैं, ये मास्टर एक और होते हैं, जो ये छोटे दर्जे को पढ़ाते हैं, काका गागा ये भी सीधी रटाते हैं, बाकी वो और छोटे समझाते हैं, अलबड़ा समझाते हैं, वो अलग होते हैं, अब ये अलग होते हैं। आप समझो इनमें भी, यानी पढ़ाई में भी देखो मान्यता होती है। जैसे किसी विश्वविद्यालय को मान्यता होती है, किसी स्कूल को मान्यता होती है, और वहाँ बच्चा जब पढ़ता है, और उस स्कूल से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से जब डिग्री डिप्लोमा ले लेता है तो मान्य होता है। कहीं भी जाता है, दिखाता है, तो मान्यता रहती है कि इसका नाम लिख जाएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी। ऐसे आप समझो धरती पर संत आते हैं, संत गति वाले लोग रहते हैं, सदगुरु की गति वाले लोग रहते हैं, सतलोक आते जाते रहते हैं। लेकिन आप ये समझो जिसको ये आदेश होता है कि तुम इस काम को करो, वो लोग बताते हैं, समझाते हैं, ज्ञान दिलाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं दिखावा नहीं करते हैं, समेटे रहते हैं अपने को। अगर दिखावा कर दें, अगर वो अपने को शो कर दें, तो अभी उनको लोग परेशान करने लगेंगे। अभी समझो कि वो उनके अंदर जो शक्ति होती है, उस शक्ति का उपयोग अपने लिए कराने लग जाएंगे, तो उससे उनका नुकसान होता है, वजन में से उनको देना पड़ता है,
चुपचाप अपनी जगह पर पड़े रहते हैं और मालिक का ध्यान लगाते रहते हैं, दिखावा वो नहीं करते हैं। और जो इनको आदेश होता है सब काम करना पड़ता है। आप समझो कि दुनियादारी का भी काम, उनको जमीन जायदाद भी बढ़ाना पड़ता, लोगों को बैठाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए, घर मकान भी लोगों के रहने के लिए करना पड़ता है, रोटी भंडारे का भी इंतजाम सब करना पड़ता है, और सत्संग सुना करके और फिर मालिक का भेद बता करके अभिवादन का कल्याण करने का भी होता है। तो वो जो सदगुरु का काम करते हैं, जो सदगुरु लोग आए अन्य समझो उन्होंने तो भेद बताया, और जो थोड़ा बहुत भी जानकारी रखे उन लोगों ने भी यही कह दिया कि मानुष जन्म बड़ा अनमोल, यह अनमोल है, यह देव दुर्लभ है। करोड़ों जन्म तक नरक 84 में भटकने के बाद, 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। इतना जानकारी उन लोगों ने भी दिया, लेकिन जो सदगुरु आए अंजुन को यह अधिकार मिला ऊपर से कि जाकर के जीवों को जताओ, ये दुखी हो रहे हैं, इनको रास्ता बताओ, इनको मेरे पास यहाँ पहुँचाओ, सुख के सागर में आवें, दुखों के संसार से निकलें, अन्य उन लोगों ने भेद खोला और सब समझाया बताया कि अगर समझाया बताया न जाए, दृष्टांत अगर न दें तो जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब दृष्टांत दे करके समझा देते हैं, यानी लोगों को बता करके इन्होंने ऐसा किया ऐसा कहा, तब जल्दी से विश्वास होने लगता है। तो जब संतों का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ, उन्होंने सतलोक तक का भेद खोला और उन्होंने इधर मनुष्य शरीर के रचना के बारे में भी सब बताया। तो आपको समझने की जरूरत है, ये शरीर अनमोल है, ये देव दुर्लभ शरीर है, क्योंकि देवताओं के शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे वो उद्धार कर सकें, सतलोक पहुंच सकें, उनको फिर नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर ऐसा रास्ता है, जीवात्मा इसको चलाती है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, इसके साथ मन लगा हुआ है। ये मन कौन है? त्रिकुटी धाम में इसका स्थान है, और जब सूरत नीचे उतरी तो ये वहीं पर लग गया, और माया भी वहीं से लगी सूरत के साथ। तो माया तो साथ छोड़ देती बीच बीच में, लेकिन मन बराबर लगा रहता है, लेकिन माया की छाया आ जाती है, ऊपरी लोकों में भी उसका असर आ जाता है, लेकिन मृत लोक में ज्यादा होता है, वहां पर कम रहता है। तो जब जीवात्मा नीचे उतरी तो यहीं से बैठ करके इस शरीर का विस्तार किया। यानी समझ लो कि जब जीवात्मा माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का बच्चा हुआ तब यह आ गई, तो वहां पर इसका विस्तार हुआ। इसके ताकत से ही यानी समझो कि यानी बच्चा माँ के पेट में पलता है, बढ़ता है, इसके ताकत से ही 5 महीना 10 दिन के पहले तो माँ के ताकत से, माँ के अंदर जो यानी समझो जन्मस्थ परिणामी क्षीण शक्ति रहती है उससे पिंड बनता है, लेकिन जब जीवात्मा उतर करके आ जाती है माँ के पेट में तब उससे ये बढ़ता है। और बाहर निकलने के बाद जब माया का पर्दा पड़ता है तब आप ये समझो कि रुकावट इसके उसमें आती है, जिस हिसाब से वृद्धि अन्य समझ लो कि माँ के पेट में जिस ताकत से करता है, जिस हिसाब से करती है जीवात्मा ये बच्चे की पिंड को बनाती है, वैसे मनुष्य का विकास अन्य होने में समय लग जाता है। अब वो सोचो 9 महीने में तैयार हो गया, और ये धीरे 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 जब जवानी आती है तब पूर्ण ज्ञान होता है। जीवात्मा यही बच्चे में भी रहती है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, कब तक? आप समझो करीब 1.5 साल तक, 1 साल 1.5 साल तक अबोध रहता है। आप ये समझो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार यह भी वहीं से लगते हैं, ऊपर से ही आए हैं, ये शरीर के जीवात्मा के साथ ही आ गए, लेकिन इनकी पावर उस समय कम रहती है, इनका असर कम रहता है, इसलिए बच्चे की बुद्धि काम नहीं करती है,
आप ये समझो मोह जैसे सबसे पहले शुरू में आता है, तो मोह अगर न हो, अगर ना आवे, तो बच्चा भी भूखा रह जाए। जब चिल्लाता है, भूख से जब तड़पता है और माँ उसको उठाती है, तब वो समझ जाता है कि सूंघ करके पहचान जाता है, उससे मोह हो जाता है माँ से, तब समझ जाता है हमको दूध पीने को मिल जाएगा। तो मोह और सब लोग ये क्रोध वगैरह ये रहते तो हैं, मन तो समझ लो वहीं से लग गया, बुद्धि अहंकार ये चार गुण कहे गए तो जब ही वहीं से लग जाते हैं, तो बुद्धि उस समय काम नहीं करती उतनी। आप समझो कि एक राजा था, तो बच्चे को अपने खिला रहा था, तो लड़के ने उसकी मूछ पकड़ लिया, बहुत नाराज हुआ, किसकी ये हिम्मत मूछ पकड़ने की, हमारी मूछ ही तो सब कुछ है। पहले के समय में मूछ को लोग इज्जत समझते थे, मूछ का एक बाल निकाल करके और गिरवी रख करके आदमी 50,000 रुपया कर्जा ले आता था। कर्जा देने वाले को इतना विश्वास रहता था कि मूछ का बाल इसने गिरवी रख दिया है तो हमारा पैसा जरूर दे जाएगा। जब लड़के ने मूछ पकड़ लिया तो उसने कहा ले जाओ इस लड़के को, पटक दो, मर जाए। तो मंत्री बड़े चतुर होते थे और मंत्री बुद्धिमान राजा लोग रखते ही थे, क्योंकि मंत्री बहुत सहायक होते हैं राज्य को चलाने में। मंत्री का चाल चलन खान पान अगर सही हो तो उसकी बुद्धि विवेक सही रहती है और फिर वो बहुत बढ़िया ढंग से चलाता है। और मंत्री ही जब भी बिगड़ जाता है तो राज का नाश हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि मंत्री को लोग बहुत बुद्धिमान रखते थे, तो मंत्री ने कहा सरकार यह अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है। बोले कैसे नहीं ज्ञान है, कैसे माने नहीं ज्ञान है। तब कहे अच्छा अब आप शांत हो जाओ, अब आपको मैं दिखाता हूं। तो बुलाया सिपाही को, कहा जा सपेरा को बुला करके ले आ। तो सपेरा को बुलवाया, सांप लेकर के जब आया, पिटारे में से सांप निकाला और सांप जब निकाला तो सांप को छेड़ा उसने, छेड़ा तो गुस्से में आया और फन काट करके उसे मदारी की तरफ दौड़ा। और जब मदारी की तरफ सांप चला तो मदारी राजा की तरफ बढ़ता गया। मंत्री बोला सांप पकड़ो, आप सांप पकड़ो। बोले सांप पकड़ेंगे नहीं, क्यों सांप कैसे पकड़ेंगे, मर जाएंगे सांप पकड़ेंगे तो। बोले कि सांप पकड़ोगे तो मर जाओगे। बोले हाँ। कहे आपको इस बात का ज्ञान है, भान है। बोले हाँ, काट लेगा तो ये जहरीला है, मैं मर जाऊंगा। तब लड़के को कहा छोड़ो उसको सांप की तरफ। जैसे लड़के ने सांप को देखा इसे दौड़ा पकड़ने के लिए, तब बोले देखो ये अज्ञानी है, आपको मरने का डर है तो इसको मरने का डर नहीं है, ये अज्ञानी है, इसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। तो शुरू में बुद्धि का विकास नहीं होता है, धीरे धीरे जिस तरह का परिवार होता है, जिस तरह का समाज होता है, उसी तरह से यानी ये धीरे धीरे अपना असर करते हैं, बुद्धि विवेक अपना असर करते हैं। उसमें लग जाता है समय, यानी जवानी आ जाती है। और जवानी में ये जो भूत हैं ये बहुत जोर पकड़ते हैं। अब अगर सदगुरु नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला और संभाल करने वाला कोई नहीं मिला तो लोग भटक जाते हैं। और अगर कोई मिल गया और वो शुरू से ही करने लग गया, आदत बन गई, करने लग गया, तो शुरू में ज्यादा दबाव इन पर नहीं रहता है। कहते ना बच्चे मन के सच्चे, शरीर से पाप उतना नहीं करते हैं। और जब जवानी आती है और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दबाव जब ज्यादा पड़ता है, ज्यादा जोर पड़ता है, तब उससे आदमी पाप करने लगता है, उससे इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं, काम की इच्छा बढ़ जाती है, तो समझो लोभ की इच्छा बढ़ जाती है, तो लोभ के लिए लालच के लिए आदमी झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है, चोरी भी कर डालता है, जो चीज मना है सब काम करने लग जाता है, तो ये चीजें बढ़ जाती हैं। और जब उम्र कम रहती है उस समय अगर रास्ता मिल गया और रास्ते पर चलने लग गया तो ये चीजें चलने लग जाती हैं। एक तो मन उधर से हट जाता है, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह,
और जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा तो बिल्कुल बादशाह जैसा हो जाता है, शान स्वभाव का हो जाता है और इतना ही चाहता है कि साई इतना दीजिए जा मैं कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए, इतनी ही इच्छा रह जाती है कि दो रोटी मिलता रहे। जब विश्वास हो जाता है उस मालिक पर, उसका दर्शन हो जाता है कि करता सब यही है, सारी खिलकत उन्हीं की है, देते वही हैं, जाके जैसी चाकरी उसको वैसा दे, जो जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसको देता है, देता सबको है, देना तो शुरू कर देता है माँ के पेट से ही देना शुरू कर देता है, बाहर माँ के पेट से निकलने से पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, तब उस पर विश्वास हो जाता है। लेकिन यह भी जानकारी हो जाती है भजन करने से, ध्यान करने से, मालिक की तरफ लौ लगाने से कि कर्तव्य का पालन भी जरूरी है, हाथ पैर आंख कान इसी काम के लिए दिया गया, या अपंग बन करके मत बैठो, उसी पर भरोसा मत रखो, कर्तव्य का पालन करो। अब ये जरूर है कि दिन रात आदमी दौड़ता रहता है, पूरा नहीं पड़ता है, और थोड़ा भी मेहनत करता मेहनत और ईमानदारी से, और उससे जो कमाई हो जाती लेकर के आ जाता है, बरकत उसी में हो जाती है। जब चाह गई चिंता गई, जब चाह चिंता दुनिया की चीजों से हट जाता है, तो अनिसमझो विचार भावनाएं अनिसीमित हो जाती हैं, आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं, हर परिस्थिति में रहने के लिए आदत बन जाती है। और नहीं तो आदमी के साथ अगर परिस्थितियां बदली, जैसे कोई मोटे गद्दे पर सोता है और परिस्थिति ऐसी आई, बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई, अब वो जगह नहीं है तो जमीन में ही लेटना पड़ता है, वही बिस्तर लगाते हैं, गद्दा नहीं है तो पतला ही बिछा देते हैं, तो नींद नहीं आती है, तो आप समझो परेशान होता है। तो अब आप इस बात को समझो कि जो इस चीज को समझ जाता है कि भाई ये खाने पीने और ऐसा आराम के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, ये भगवान के प्राप्ति के लिए मिला कि जिससे संतोष धन आ जाए, जिससे शील आ जाए, क्षमा आ जाए, जिससे विरह जग जाए, विवेक आ जाए, इस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला। तो वो तो खोज करते हैं, किसकी खोज करते हैं, कहा जब जब संत जगत में आवे ढूंढ भाल उनके दिख जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में, तब उनकी खोज करते हैं, और खोज करते हैं तो मिल ही जाते हैं। आप समझो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैट, अहो बूढ़ी बूढ़न देरी रही किनारे पैट। आप ये समझो सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए तो मिल जाते है ना, जा पर जाकर सत्य सन्य हूं और ताश मिलन में कर संदेह हो, जिस पर जिसकी लगन लग जाती है वो चीज उसको मिलती ही है। समझ लो विश्वास के साथ जब लग जाता है तो मेहनत बेकार नहीं जाती है, वो चीज मिल जाती है। तो जब सदगुरु मिल जाते हैं रास्ता बता देते हैं, लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है, ये जो तकलीफें शरीर की हैं वो भी दूर होती हैं, मानसिक कष्ट दूर होता है, और ये जो परिवार का लेना देना है एक दूसरे का कर्जा, इसी गृहस्थाश्रम में देखो गाली गजोर झूठा लात मार सब चल रहा है, इसी में खून कतल हो रहा है, इसी घर से लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, तो ये चीजें भी खत्म होती हैं, रुपया पैसा में भी बरकत होने लगता है और जीवात्मा का भी कल्याण हो जाता है। लेकिन जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, आखिर वक्त में तो तकलीफ होती ही होती है। संतों के अलावा सबको तकलीफ होती है, संतों को तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि छिन आवे छिन जाए। आप देखो जिस रास्ते पर आप रोज चलते हो वो रास्ता आपका देखा हुआ है, आप ये समझो गाड़ी अपने आप जिस गली में रहते हो उस गली में मुड़ जाती है। आदमी सोचता रहता है लेकिन जरूरत पड़ने पर जब आदत बन जाती है तो ब्रेक पर हाथ, ब्रेक पर पैर, गाड़ी के बाइक के पड़ ही जाता है, एकदम याद हो जाता है यहाँ गड्ढा है, यहाँ मोड़ है, तो अपने आप अधचेतन अवस्था। अधचेतन अवस्था को किसको कहते हैं, शरीर कहीं है और दिमाग कहीं है, लेकिन दिमाग एकदम वहीं नहीं रहता है,
शरीर में रहता है, शरीर जहां चल रहा है वहां भी रहता है, अधचेतन अवस्था उसको कहते हैं, तो अधचेतन अवस्था में भी मर जाता है। ऐसे ही जिनका आना जाना रोज होता है ऊपरी लोकों में, उनको तो तकलीफ नहीं होती है, वो तो 100 बार 200 बार दिन भर में मरे और जिए। छिन 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 किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को छिन कहते हैं। तो छिन में आवे छिन में जाए, तकलीफ नहीं होती है। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हैं, तो वो तो घर से निकले और दफ्तर में गए, शाम को फिर वापस आ गए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका ट्रांसफर जिसको कहते हैं होते नहीं, कहते अरे बोल पोस्ट ही नहीं है, वहीं रहोगे। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको टूर में ही जाना पड़ता है, ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, वो उनकी आदत उस तरह की बनी रहती है, तो आज यहां जाना वहां जाना रोज की आदत ऐसे रहती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। अब आप ये समझो कि जिनको एक दिन जाना होता है उनको घर से निकलने में तकलीफ होती है, सोच और विचार करते हैं और वो तकलीफ जो होती है उसको महसूस भी करते हैं। आप ये समझो ट्रेन में गए, जगह नहीं मिली, खड़ा होना पड़ा, बस में खड़ा होना पड़ा, महसूस करते हैं टूर बड़ा खराब है, देखो कितनी तकलीफ होती है, दोबारा आप टूर नहीं बनाएंगे, अब नहीं जाएंगे, टीएडीए मिले ना मिले, आप ये समझो। लेकिन जो रोज आते जाते हैं, खड़े होकर भी जाना पड़ा, तो उनको तकलीफ नहीं होती है, रोज का काम है, उनकी आदत है। ऐसे ही जब जीवात्मा जिनकी आती जाती है उनको कभी भी निकाल लें, जब शरीर बुढ़ा हो जाए या उनका काम पूरा हो जाए, दूसरे को सौंप करके चले जाते हैं, हमेशा यही हुआ, संतों का ये इतिहास बता रहा है, चले जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी सबको दिक्कत होती है, चाहे योगी हो, योगेश्वर हो, साधक हो, कुछ न कुछ दिक्कत जीवात्मा के निकलने में सबको होती है। अब आप ये समझो क्यों होती है? इसलिए होती है कि मन इसके साथ लगा हुआ है, वहीं से लग गया, त्रिकुटी से ही लग गया। अब ये बराबर रहता है जब तक जीवात्मा इस शरीर में रहती है, और मन ये जीवात्मा की ताकत के साथ ये इधर इंद्रियों की तरफ चलाता है, जैसे आंख है, मुंह है आपका, ये यानी समझो कि टट्टी पेशाब का ये रास्ता है, ये सब इंद्रियां हैं। तो अब आप ये समझो कि मन इधर चलाता है, अब जब इधर चलाता है और उसका ये जब आदि बना देता है, मन आंख से देखने का आदि बना दिया, कान से बढ़िया गाना बजाना सुनने का आदि बना दिया, जबान से बढ़िया बढ़िया चीज खाने का आदि बना दिया, नभ्या से भोग का आदि बना दिया, तो मन इधर से जल्दी हटना नहीं चाहता है, इस जगह को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। और जिसने इस शरीर को दिया है, जिनको काल भगवान कहा जाता है, उनको तो इसको खाली करना नहीं होता है, क्योंकि इस धरती का विधान यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। सबको शरीर छोड़ना पड़ा, चाहे वो अधिक शक्तियां रही हों, चाहे ऋषि मुनि रहे हों, चाहे संत ही रहे हों, छोड़ना सबको पड़ता है, तो वो खाली कराना चाहेगा। अब आप ये समझो अगर अच्छे कर्म रहे, अगर आप समझो साधना किया, तो साधक को निकलने में दिक्कत नहीं होती है, जीवात्मा के निकलने में सुषमा फोड़ कर निकल जाते हैं, धार्मिक लोगों का आंख से मुंह से जीवात्मा निकलती है, आप ये समझो आराम से निकल जाती है। अब पापी कुकर्मी जो होते हैं उनका मल मूत्र के रास्ते से निकाली जाती है, नहीं जब आवाज लगाने पर जीवात्मा निकलती है तो झुलसा करके मार मार करके जो यमराज के दूत होते हैं वो निकालते हैं, जैसे ही समय पूरा होता है ऐसे ही वो आवाज लगा देते हैं, काली कर दो। अब आप देखो जो समझदार लोग होते हैं, किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक नोटिस दे देता है या कह देता है कि भाई अब हमारा घर खाली कर दो, और खाली कर देते हैं, तब उनको तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो नहीं खाली करते हैं, मुकदमेबाजी होती है, मारपीट होती है, मकान दूसरे का कैसे कोई ले सकता है, तो उसको तो एक न एक दिन खाली करना ही पड़ता है। ऐसे ये दूसरे का ये शरीर ये दिया हुआ मकान है, इसी को मानो मंदिर कहा गया, जिस्मानी मस्जिद कहा गया, इसी को गुरुद्वारा कहा गया, अपनी अपनी भाषा में जो संत
आए फकीर जिनको कहा गया, गुरु जन जिनको कहा गया, जो आए वो अपने इसका नाम रखे, तो ये मनुष्य शरीर यानी किराए के मकान की तरह से है, तो इसको खाली करना ही पड़ेगा। अब वो जब आवाज लगाते हैं कि इसको खाली करो, तो जो साधक से जोड़ते हैं, समझ गए उम्र पूरा हो गया, चलो निकलो, उनकी तो आराम से निकल जाती है, लेकिन झटका इन लोगों को भी लगता है, धर्मनिष्ठों को भी लगता है, क्योंकि मन ये जो है ये जीवात्मा के साथ लगा रहता है। और मन कहाँ रहता है? इंद्रियों की तरफ रस लेता है, तो वो रस को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो नीचे से जीवात्मा को निकलने नहीं देता है, और वो कहते निकलो जल्दी करो, खींचते हैं तरह से, तो जब खिंचाव होता है तब वो उस तरफ खींचते हैं, आवाज दे करके खींचते हैं, निकलो, आवाज में भी ताकत होती है। आप देखो किसी को धीरे से प्रेम से कहो ऐसा कर लो, तो नहीं उठेगा लड़का, लड़के बेटा चला जाए सामान लिया, बेटा ये करने नहीं उठा, अरे उठ बेटा उठो, तो आवाज भी ताकत होती है। ऐसे ही वो उनकी आवाज को, वो आवाज खींचती है जीवात्मा को, यमराज के जो दूत होते हैं वो उधर खींचती है, और ये मन जीवात्मा को इधर खींचता है, तो उसमें झटका लगता है। तो देखो बहुत से लोगों के प्राण निकल सुन ऐसे ऐसे झटका लगता है, बहुत से लोग ऐसे छटपट करते हैं क्योंकि हिलोर उठता है उसमें, ऐसे उसमें उसमें निकलने में हिलोर उठता है, तो ऐसे ऐसे छटपटाते ऐसे। अब आप ये समझो उनको भी तकलीफ होती है, और जो बिल्कुल नहीं निकलना चाहते हैं उसी में फंसे हुए हैं, किसमें यानी समझो कि खाने पीने मौज मस्ती में ही उसी में फंसे रह गए, वही आदत बन गई, भोग करने की आदत बन गई, नब्या रुपया के स्वाद में जो फंसे रह गए उसी के लिए सब जो गलत काम करने लगे, कि जिसकी वजह से यमराज के दूतों को खाली कराने के लिए आना पड़ा, उनको तो मर मर करके झुलसा झुलसा करके निकालते हैं, और फिर उसको सजा मिल जाती है, नरकों में डाल दिए जाते हैं। अब आप ये समझो इसीलिए तो बराबर जो संत महात्मा फकीर आए याद दिलाते रहे कि भाई यानी इसका उद्धार कर लो जीवात्मा का, और जब तक इस धरती पर रहो सुखी रहो, और जब समय पूरा हो जाए तो निकल चलो, अपने वतन चलो, अपने घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, मिट्टी पत्थर का घर तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर कहीं और है, वहां से आए हुए बहुत दिन हो गया और अभी नहीं पहुंच पाए, अब चलो धाम अपनी चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति संस्था व सरकार से कोई भी चंदा चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बंदेरो पाड़ेंगे तो निदान क्या होगा, दाया के निदान का विधान क्या होगा, अब फोट पाड़े तेरी रहमत की धार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले, यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फाले के प्यारा देश फूले फाले।